इस केकड़े का अभी हम लोग पियेंगे जूस मार के। सांस फूल रहा है, सांस वास फूल गया है, पानी मांग रहे हैं भाई। ठीक हो ना? पानी नहीं है। पानी। कैफ भाई को देखिए, टार्जन बनना चाहता है ये। नौसाद कहाँ हो? यही यहाँ ट्रैकिंग करते हुए हमारे भाई धराशायी हो चुके हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जिस स्पॉट का हम लोग वेट कर रहे थे, उस जगह पे पहुंच गए, मतलब लखनिया धरी। ऐसे बनारस में दो धरी हैं, राजधरी और देवधरी, और हम लोग आए तीसरे धरी में जिसको कहते हैं लखनिया धरी। मतलब ये स्पिरिचुअल के साथ साथ यहाँ एडवेंचरस है, एडवेंचरस इन सेंस। देखो कैसे एडवेंचरस है, दिख रहा है कुछ आजू बाजू, पता चल रहा है कुछ? हाँ, तो बस वही एडवेंचर है भाई, पूरा एडवेंचर है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा ब्लॉगिंग व्लॉगिंग का करते हैं मजा, और ट्रैकिंग करना अभी। देखो अभी से ही पूरा ट्रैकिंग है भाई यहाँ पे, बहुत गंदा ट्रैकिंग है यहाँ पे। और हम कुछ बोलना चाहेंगे, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे, स्किप मत करिएगा, आगे और मजा आने वाला है आप लोग को। हाँ, तो भाई ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई, मतलब अभी तक में जितना भी तुमने अगर खराब ब्लॉग भी लगा होगा तो ये जरूर देखना। तो मेरे साथ मेरा पूरा कजन भाई, छोटा भाई, सब लोग आया हुआ है, सब आगे आगे ट्रैकिंग कर रहा है। बिल्कुल व्यू देखो आप, शानदार जबरदस्त व्यू है एकदम, और बहुत कुछ है यहाँ पे। थोड़ा बहुत पब्लिक से बोलना चाहते हैं भाई, आओ कुछ भी करो, कचरा मत फैलाओ यार, तुम तो ब्यूटी डिस्टर्ब मत करो। देखो यहाँ से दिखाते हैं आपको कुछ आगे का सीनरी, इधर पता नहीं क्या है, इधर झील टाइप का लग रहा है इधर, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है जो भी लग रहा है। तो हम आगे चलते हैं क्योंकि ऐसा ब्यूटी बहुत देखने को मिलेगा अभी आगे, है ना भाई? अभी बहुत कुछ बचा है भाई, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, आगे देखो होता है क्या। चलो फिर आगे चलते हैं भाई। आप भैया कहाँ से हैं? लखनिया से। आप यहीं के लोकल हो? जी। और यहाँ पे टूरिस्ट आजकल बहुत कम दिख रहा है, ऐसा क्यों? कोविड के चक्कर में, कोविड के चक्कर में, और ठंडी भी है ना। ठंडी भी है, ठीक है। हम लोग भी, हम तो पहली बार आए यहाँ, तो लोकल लोग हैं, हम पहली बार आए, देखते हैं कैसा मजा आएगा ना घूमने में। चलिए ठीक है भैया, बाय। कुछ तो ठीक है भाई, लेकिन ठंड था, लेकिन अचानक धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा फटने वाला धूप हो गया भाई, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों में जाना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ मिला है भाई, पता नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है। इस केकड़े का अभी हम लोग पियेंगे जूस मार के, निकल रहा है, मर गया शायद, देखें पठान बता पाएगा जिंदा है कि मरा है। मर गया, मर गया, मर गया। ये झल्ली तो झिल्ली तो पैक करो, चलो घर लेके भुजिया बनेगा। केकड़े का जूस पियेंगे हम लोग। गिरा देना, नहीं नहीं गिरा देना, हाँ फेंक दो। मर गया केकड़ा, डायनासोर का बच्चा, खाओगे? तो भाई अभी से थोड़ा बहुत झील वगैरह दिखने लगा है। कूद गया क्या, पत्थर उठा लिया क्या? बाहुबली के जैसा पत्थर उठाने का यहाँ पे अच्छा अच्छा लोकेशन है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो झील वगैरह दिखने लगा है। हमारे साथ एक और ब्लॉगर, मेरा भाई निखिल चौक। तो भाई इस जगह पे आने के बाद ऐसा लिखा है अंदर जाना मना है, लेकिन अंदर जाएंगे भाई, इतना रूल नहीं मानते हम लोग। चलो चलो अंदर चलो। भाई भारत के प्रेमी प्रेमियों का बात ही अलग अलग है, मतलब इतना क्रिएटिव क्रिएटिव जगह पे भी चढ़ चढ़ के, मतलब देखिए लोगों को कैसा क्रिएटिविटी, देखिए देख रहे हो, मिथिलेश संग जुली संजीत, मतलब भाई इतना भी क्या इसमें जुनून हो कि पहाड़ गंदा कर रहे हो यार। बहुत खतरा भैया। हाँ खतरा से खेलना हम लोग का काम है, हम लोग डियर गर्ल्स के फैन है भाई। देखते हो मैन वर्सेस वाइल्ड, देखते हो? मत देखना, बहुत गंदा चीज है। तो
थोड़ा दूरी चलने के बाद, थोड़ा सा ट्रैकिंग करने के बाद लड़के सब थक वक गए हैं बिल्कुल। सांस फूल रहा है, सांस वास फूल गया है। पानी मांग रहे हैं भाई, ठीक हो ना? हां भाई, पानी। कैफ, कैफ भाई को देखिए, इसका सांस वास फूलने लगा, पानी मांग रहा है। चलिए चलो। रास्ता काफी टफ है, मतलब टफ क्या, अच्छा है, थोड़ा माउंटेन एरिया है तो माउंटेन जैसा ही होगा ना भाई। भाई आगे बंदरों ने कब्जा कर लिया, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, देखते हैं जा पाते कि नहीं। बहुत मुश्किल, हम कैमरा अंदर रख के जाएंगे क्योंकि बहुत सेफ नहीं है भाई, बिल्कुल सेफ नहीं है मिर्जापुर के इलाके में ना। बहुत ही भाई ऐसा माउंटेन वाला रास्ता है, काफी टफ रास्ता है यहाँ पे। मतलब मजा भी आ रहा है, उतना भी टफ नहीं है, मतलब को आदत है ट्रैकिंग करने का, उसमें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पहले आप सभी लोग यहाँ कीजिए, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। जीपीएस खोलो, जीपीएस खोलो, जीपीएस। अरे मोबाइल लिया भाई। भाई यहाँ पे बारिशों में आते ना तो ये जगह बिल्कुल, यहाँ पूरा मतलब झरना ही है, मतलब पानी चारों साइड से पानी बहता, बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन अभी सर्दी ही है लेकिन पानी बहुत कम दिख रहा है, मतलब बनारस में राजस्थान और एमपी वाला फील आ रहा है, पर ना पानी बहुत ज्यादा भाई। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए हमारे भाई धराशायी हो चुके हैं। फोन गिर गया, टूट गया है। बताइए ट्रैक करते करते भैया यहाँ क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे भाई फुल एडवेंचर, बस हमको जो डर लगा बस थोड़ा बहुत बंदरों से लगा, बाकी कोई डर नहीं, मजा है बस पानी। आइएगा तो चिप्स मत ले जाइएगा, वरना आप चिप्स के दीवाने हैं बंदर। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के। आप अपने बारे में बताइए, धराशायी कैसे हो गए आप? तो भाई जंगल, जंगल ही जंगल आ गया, पहले पहाड़, चट्टान, झील और अब जंगल। जंगल ऐसा है कि जो वो क्या कहते हैं, बियर भाई आया ना तो वो भी इसमें मंत्रमुग्ध हो जाए। और पीछे चट्टान देखोगे, चट्टान दिखाओ ऐसे, जरा घुमाओ कैमरा, देखो पीछे का चट्टान देखो यार। और इस साइड जंगल, इस साइड पहाड़, बाहुबली वाला जो देखे थे ना भाई सीन, बाहुबली का शूटिंग यहाँ तो नहीं हुआ था, ऐसा ही जगह था बिल्कुल, तो फुल भौकाल वाला जगह भाई, मज़ा आ रहा है बहुत। तो गाइज अभी चले जा रहे हैं, नदी का किनारा दिखा हम लोग को, और पेड़ वेड़ है थोड़ा बच के आना पड़ेगा, नदी का किनारा दिखा है। और हमारा एक बंदा खो गया है, हमारा एक आदमी लड़का खो गया है। नौसाद कहाँ हो? यही है, हम लोग को दिखा नहीं, जंगल में झाड़ियों में भटक गया था, मिल गया है। आगे चलते हैं ट्रैकिंग में, देखते हैं कितना मजा आता है। भाई चट्टानों में गिरे नहीं थे लेकिन गिरने की कोशिश किए थे, लेकिन अच्छा लगा, बहुत मजा आया नीचे चट्टान में घूमने के बाद। अभी और आगे चलना है, अभी और देखते हैं आगे क्या क्या। ट्रैकिंग करने जाओ तो भाई ट्रैक में जाओ, ट्रैक पैंट वगैरह पहनो, क्या हम गलती से जींस पहन के आ गए, लेकिन ठीक है आगे चलते हैं। भाई झरनों के बीच में आके फंसा गया, मतलब पसीना भी हो रहा है काफ़ी, मज़ा आ रहा है। देख रहे हो ठंड, सर्दी के दिन में पसीने बह रहे हैं, पसीने सर्दियों में पसीने बह रहे हैं। पीछे झरना है, मन कर रहा है डुबकी लगा ले, और पूरा मन कर रहा है कि डुबकी लगा ले, कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा बारिश के दिन में ना बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा फील आता है झरनों का, लेकिन अभी थोड़ा सर्दी है, गर्मी आने वाला है, थोड़ा सा ऐसा हो गया ना कि पानी की कमी थोड़ी लग रही है, थोड़ा पानी वगैरह और मिल जाए आगे चल के तो और मजा आएगा। फिर देख बच के निकलना है भाई एकदम यहाँ से, इन पहाड़ को, पहाड़ों पे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे काफी स्लिपरी है, यहाँ से जाना थोड़ा टफ रहेगा, हम यहाँ से चलेंगे। भाई मतलब थक गए, लिटरली थक गए भाई, मतलब बहुत पहाड़ देखो आप, पूरा खंडहर पहाड़ के बीच में है, ट्रैकिंग करना है, मज़ा आ रहा है। लेकिन चलते हैं, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो बस मौज मस्ती, थोड़ा कंटेंट मिल जाए, थोड़ा ब्लॉगिंग हो जाए, थोड़ा फील आ जाए,
भाई यहाँ पहले लोग डूब भी चुका है, बहुत ज्यादा लोग डूब चुके हैं। यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, हाँ, अनुराग नाम था उसका, अनुराग गौतम, वो लोग यहाँ पे पार्टी करने आए थे। अब वो रहा नहीं क्या? नहीं वो है। अच्छा अभी है, मतलब इस तरीके से वो लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे, अचानक से पानी गिरा इस पे। अच्छा वो लोग पूरा घबरा पैसा। तो भाई ये जगह जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक भी है, बहुत डरावना है ये जगह, डरावना इन सेंस प्राकृति जब आपसे गुस्सा हो जाए तो आपका कभी भी विनाश से सर्वनाश कर देगी। ठीक है भाई, ये देखिए बहुत टन मना रहा है तब से, युवा नेता बहुत टन मना रहा है, उसको पहले भेजिए। थोड़ा सा टफ है यहाँ पे जाना, एक एक करके सबको जाने दीजिए। आओ पहले युवा नेता पहाड़ में। भाई इस टाइप के पहाड़ में हम पहले एक दो बार गए हैं, लेकिन इतना दूर तक, इतना इंटीरियर तक हम ट्रैक नहीं किए थे। झूला उला मत झूले, चोट लगेगा। अरे पहाड़ पे गिरोगे ना, आ जा। टार्जन बनना चाहता है ये। अब कुछ यहाँ से आके जंगल झाड़ वगैरह देखने को मिलेगा। ये अच्छा रास्ता है, धूप कम मिल रहा है देखने को ना, तो ये अच्छा रास्ता है। एंड फाइनली द डेस्टिनेशन इज हेयर, जो हम लोग खोज रहे थे बहुत टाइम से। यहाँ कोई महर्षि वगैरह रहते थे, देख रहे हो आप, पहाड़, नदियाँ, तालाब, चट्टान सब है यहाँ। अच्छा भाई, बहुत मतलब फील आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा परेशान कर रही है, बाकी सब बढ़िया है, पसीना चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी मज़ा आ रहा है चट्टानों में, पहाड़ों में, फील है भाई इस जगह का, अलग ही अनुभव मतलब ट्रैकिंग है। बस दिक्कत बुरा बस ये लग रहा ना भाई कि झील यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहा कर, मतलब झील अक्सर रहती हैं बारिशों में, तो बहुत इतने जितने आसानी से हम यहाँ जा रहे उतने आसानी से जा नहीं पाते, लेकिन अब पानी कम है, चल रहा है। सारे लोग जा रहे पीछे ट्रैकिंग करते हुए, हमें भी ट्रैकिंग करना, अब थोड़ा सा और ट्रैक करते निकलते हैं हम लोग भी। आ गया भाई पानी चुनाइयों के साथ, भाई निकलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हमारे झील है कुछ, और असली लोकेशन जो है आगे है। तो जिस जगह का हम वेट कर रहे थे, जिस जगह के लिए ट्रैक किया, वो जगह सामने है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यही वो जगह था जिसको हम लोग ट्रैक किया, प्लान था कि नहाएंगे, गर्मी भी लग रहा था उस टाइम, बट अभी ऐसा हो गया ना सिचुएशन कि भाई पानी जो है ना माइनस में, मतलब बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा पानी, तो भाई इतना तो जिगर नहीं है कि भाई ठंडा पानी में नहाए। पता है थोड़ी देर का ठंडा लगता है, बट हिम्मत नहीं भाई नहाने का, तो घर में जाके गर्म पानी करके नहाएंगे और ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और आज तक की थी बनारस में, तो बनारस सीरीज को करते हैं बंद। अगर सिचुएशन होता है रुकने का, तो फिर आगे और भी कुछ डाला जाएगा। तो बाय बाय, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बनारस में फैला दो, बस हो गया। ये लग रहा है यहाँ सांप है भाई, बच गया संभाल के भाई, ऐसे जगह काफी रिस्की है, मुझे इसका नो नीचे है। ये देखिए आप लोग आए तो बहुत ही संभाल के आए, देखिए ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है।